सो हेई देयर एनिमे फैंस, कैसे हो तुम लोग? बहुत बुरे हैं हम। आज एक एनिमे मूवी का शॉर्ट रिव्यू देने वाला हूँ। मूवी का नाम क्या है वो जानने से पहले चलो बात करते हैं मूवी किस टॉपिक के ऊपर है और ये मूवी तुम लोगों को क्यों देखनी चाहिए। सो अगर एक बढ़िया सा एनिमे मूवी ढूंढ रहे थे तो ये मूवी देखना बिल्कुल वर्थ इट है। और अगर एनिमे रिलेटेड कॉन्टेंट पसंद करते हो तो भाई इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे एनिमे रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। अब चलो बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग सी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तुम लोगों के लिए एक सवाल, क्या तुम लोग भूतों पे विश्वास करते हो या फिर भगवान को मानते हो? असल में ये मूवी हमें यही चीज बताती है। बेसिकली हमारे आसपास बहुत सारे पावर्स होते हैं, बहुत सारी आत्माएं होती है जिन्हें हम लोग देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ महसूस जरूर कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो आत्माएं हमें दिखने भी लगे? तो मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलता है जो हमारा इंटरेस्ट मूवी के लिए और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और मूवी का सेकेंड हब बिल्कुल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। जीवन का प्रॉब्लम, उसका सल्यूशन, ह्यूमैनिटी, ये सब टिपिकल सेंटिमेंट तुम्हें इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर मूवी की प्लॉट की बात करें तो कहानी सायाको नाम की एक लड़की के ऊपर है जिसको सडनली आत्माएं दिखने लगती है और उसे बुद्धा के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि बुद्धा का पुनर्जन्म हुआ है। अब इस युग में बुद्धा कौन है ये तुम्हें मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। तो 2009 में रिलीज हुई करीबन 2 घंटे की रन टाइम वाली ये मूवी एडवेंचर, ड्रामा, साइकोलॉजी, रोमांस, सुपर नेचुरल, ये सब जॉनरा पर बेस्ड है। और इस मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका थीम है जो कि बुद्धा, घोस्ट, लाइफ आफ्टर डेथ, रिलीजन, स्पिरिट्स, इन सब के ऊपर है। अब मूवी के थोड़े वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो मूवी का सबसे ज्यादा वीक पॉइंट मुझे जो लगा है वो है इसका रनिंग टाइम। मतलब मूवी का फर्स्ट हाफ तो काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन मूवी के सेकंड हाफ की बात करी तो बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिन्हें थोड़ा बहुत कट करके मूवी के लेंथ को छोटा किया जा सकता था। ज्यादा इतना लंबा खींचने की कोई भी जरूरत नहीं थी। मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मुझे लगता है वो है इसकी स्टोरी टेलिंग और डायलॉग्स। इसका स्टोरी टेलिंग का तरीका मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और इसके डायलॉग्स की बात करें तो मूवी गौतम बुद्ध के ऊपर है, तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी से डायरेक्ट कनेक्टेड है और बुद्धा की हर एक बातें हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। वीडियो खत्म होने जा रहा है और मैंने अब तक मूवी का नाम नहीं बताया, तो मूवी का नाम है द रिबर्थ ऑफ बुद्धा और ये मूवी तुम्हें हिंदी डब में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिल जाता है, तो मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, इसको हिंदी डब में ही देखना, तभी इंडो जापानीज वाला फील आएगा। मूवी एक मास्टरपीस तो नहीं है, लेकिन मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा मस्त रहा है, तो मैं मूवी को 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ। मूवी को हाईली रिकमेंड करता हूँ, जरूर देखना। तो बस यार, आज की वीडियो यही तक। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलो मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।